नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न किचन में। होली रेसिपी के सीरीज में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कटहल की सब्जी, जिसे नॉनवेज का बेहतरीन अल्टरनेटिव माना जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखलाऊंगी, यदि आप उस तरीके से बनाइएगा तो यकीन मानिए कटहल की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg कटहल, जिसे मैं छील करके कट कर लूंगी। कटहल को मैंने इस तरह से छील करके कट कर लिया है। कटहल के बीच के पार्ट को इस तरह से कट करके निकाल लूंगी। बीच वाला पार्ट हार्ड होता है और सब्जी बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसे पीसेस में कट कर लूंगी। कटहल मैंने कट कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और धनिया पत्ता। मसाला में मैंने लिया है 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 4 से 5 लाल मिर्च, सब्जी में अच्छे कलर के लिए 4 से 5 कश्मीरी मिर्च, 1 इलायची, लौंग, दालचीनी, 1/2 इंच अदरक और 15 से 20 जवा लहसुन। इन सभी मसाले को पॉट में डालकर पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए इसमें डाले थोड़ा पानी। मसाला पीस गया है, अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। पॉट में लगा हुआ मसाला को पानी डालकर निकाल लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला रेडी है, अब हम लोग सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको कटहल की सब्जी प्रेशर कुकर में बनाकर दिखला रही हूँ। कटहल थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए जब भी आप कटहल की सब्जी बिना बॉयल किए हुए बनाएं तो इसे प्रेशर कुकर में ही बनाएं। कुकर गर्म हो जाए तो इसमें डालें 1/2 कप तेल, जो लगभग 60 ml के बराबर है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें कटहल डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं। कटहल को फ्राई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करें। कटहल फ्राई हो गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला भूनने के लिए बचे हुए तेल में 4 से 5 चम्मच और तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालें 1 चम्मच जीरा, 1 तेजपात, कट किया हुआ हरी मिर्च। जब यह हल्का चटक जाए तो इसमें कट किया हुआ प्याज डालें। प्याज को हाई हीट पर थोड़ी देर भूनें। प्याज जब भूनकर हल्का नरम हो जाए तो इसमें कटा हुआ टमाटर डालें। टमाटर डालकर इसे थोड़ी देर पकाएं। जब यह हल्का पक जाए तो इसमें स्वादानुसार नमक डालें। नमक डालकर इसे ढककर 5 मिनट तक लो हीट पर पकाएं। टमाटर प्याज अच्छे से पक गया है, अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालकर के भून लेते हैं। मसाला को अच्छे से चलाकर इसे ढककर 10 मिनट तक लो हीट पर पकाएं। दस मिनट हो चुका है, मसाला से हल्का तेल रिलीज होने लगा है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें। इसे अच्छे से मिलाकर इसमें फ्राई किया हुआ कटहल डालें। कटहल डालकर इसे थोड़ी देर मसाले के साथ भूनें, ताकि कटहल में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट लो हीट पर कटहल को मसाला के साथ भूनें। कटहल और मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें लाइट ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा पानी डालें। यदि आप ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो पानी का मात्रा बढ़ा लें, लेकिन ग्रेवी से ज़्यादा कटहल की सब्जी ड्राई खाने में अच्छा लगता है। कटहल की सब्जी में मीट जैसा स्वाद लाने के लिए अब इसमें डालें 1 चम्मच मीट मसाला। मसाला डालकर इसे बंद करके मीडियम हीट पर 1 विसिल लगने तक पकाएं। 1 विसिल लग गया है, कुकर के प्रेशर को अपने से रिलीज होने के लिए छोड़ दें। प्रेशर रिलीज हो गया है, अब ढक्कन खोल करके सब्जी चेक कर लेते हैं। अब इसमें बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता डालें।
तो देखिए कटहल की सब्जी कितना बेहतरीन और स्वादिष्ट नजर आ रहा है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और देखने के साथ साथ खाने में भी ये बहुत टेस्टी बना है। इस होली आप भी बनाइए ये रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आगे आपको कौन सी रेसिपी देखना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ।